अगर आपके भी मोबाइल में Amazon का कोई लिंक, चाहे वो एफिलिएट लिंक ही क्यों ना हो, वो सीधे जो है क्रोम ब्राउजर में ही ओपन हो रहा है, वह Amazon ऐप में न ओपन होकर के सीधे क्रोम ब्राउजर में ओपन हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यह इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, छोटा सा वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा। बस एक छोटा सा एक जरूरी सेटिंग है जिसे आप कर लेंगे तो कोई भी लिंक पे, किसी भी लिंक पे आप क्लिक करेंगे Amazon के, वह सीधे आपके Amazon ऐप में ही ओपन होगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। जी हाँ, फ़ोन के सेटिंग्स में जाने के बाद अब आपको जो है ऐप्स वाले ऑप्शन में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है Amazon और Amazon पे क्लिक करना है। जब आप Amazon पे क्लिक करेंगे तो आप ऐप इन्फो में आ जाएंगे। देखिए ऐप इन्फो में आने के लिए, चाहे वो कोई भी ऐप हो, मेनू से जो है मेनू बार जो मेनू होता है ना, होम, ठीक है, होम पे, वहाँ पे जब आप उस ऐप पे लॉन्ग प्रेस करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको ऐप इन्फो में आने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली वहाँ से ही ऐप इन्फो में आ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ से ऐप इन्फो में आया हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट एज डिफ़ॉल्ट का, ठीक है। सेट एज डिफ़ॉल्ट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा आपको ओपन सपोर्टेड लिंक्स का, ठीक है। तो ओपन सपोर्टेड लिंक्स पे अब आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है इन दिस ऐप, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और बैक आ जाना है, ठीक है। अब फिर आपको वहीं पे जाना है लिंक पे, जहाँ पे आप क्लिक कर रहे थे तो आप क्रोम ब्राउजर में आ जा रहे थे, ठीक है। तो अब आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, और जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका यह जो लिंक है वह क्रोम ब्राउजर में न ओपन हो करके अब सीधे जो है Amazon ऐप में ही ओपन हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोज़ाना कुछ नया जानने और कुछ नया सीखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।